हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ज्यामितीय आकृतियों से बने पैटर्न के बारे में जानेंगे। बन्नों की साड़ियों के पैटर्न को मशहूर होते देख चाचा ने सोचा कि क्यों ना वो भी अपने मेजों पर पैटर्न बनाए। चाचा ने अपनी गोल मेज पर ज्यामितीय आकारों का इस्तेमाल करके इस तरह का पैटर्न बनाया। गोलू चाचा की दुकान पर मेज खरीदने आया और उसे वो मेज बहुत पसंद आई। गोलू ने तुरंत वो मेज चाचा से खरीद ली। गोलू अपने घर लौटकर सोच रहा है, चाचा ने ये पैटर्न कैसे बनाया है, मुझे तो इसका नियम पता ही नहीं चल रहा है। तभी चंदा गोलू के घर आई। वाह गोलू, ये मेज तो बहुत सुंदर है, चंदा ने गोलू से कहा। हाँ, लेकिन मुझे इस पैटर्न का नियम समझ ही नहीं आ रहा है, क्या तुम बता सकती हो कि इस मेज के पैटर्न को बनाने के लिए चाचा ने कौन से नियम का इस्तेमाल किया है? ये तो बहुत आसान है। देखो गोलू, पहले चाचा ने बाहर गोल सर्कल और उसके अंदर एक त्रिकोण ट्रायंगल बनाया है। फिर जब चाचा ने अगला निशान बनाया तो बाहर त्रिकोण और अंदर गोल आकार बनाया है। फिर तीसरे निशान में चाचा ने दोबारा पहले निशान को दोहराया है। इस तरह से चाचा ने इस पैटर्न में हर बार अगले निशान को बनाने के लिए पिछले निशान में बनाए अंदर के आकार को बाहर और बाहर के आकार को अंदर बनाने का नियम इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब समझ आया, गोलू ने चंदा से कहा। गोलू, चलो मैं भी चाचा की दुकान से अपने लिए एक सुंदर पैटर्न की मेज खरीद लेती हूँ, चंदा ने गोलू से कहा और दोनों चाचा की दुकान पर पहुंच गए। चाचा की दुकान पर चंदा को इस पैटर्न की मेज पसंद आई। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि चाचा ने इस मेज के पैटर्न को बनाने के लिए किस नियम का इस्तेमाल किया है? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। ये पैटर्न बनाने के लिए चाचा ने हर बार पिछले निशान के सबसे अंदर बनाए आकार को अगले निशान में सबसे बाहर बनाया और फिर उस आकार में बाकी बचे दोनों आकारों को ठीक पहले वाले निशान में बनाए क्रम के अनुसार ही इस आकार के अंदर बनाया। इस नियम को बार बार दोहराकर चाचा ने इस मेज का पैटर्न बनाया है। चंदा ने चाचा से वो मेज खरीद ली और खुशी खुशी अपने घर लौट गई। बच्चों, इस वीडियो में हमने ज्यामितीय आकृतियों से बने पैटर्न के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।